संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की सक्सेस के पीछे अक्षय कुमार का भी हाथ है। उन्होंने बैडमैन को रिलीज डेट आगे खिसकाई, लेकिन अब पद्मावत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं। अक्षय कुमार को एक्सेप्ट किया है उनका बैडमैन चैलेंज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पर। अब देखिए जरा इस तस्वीर को, जिसमें आपको दीपिका पादुकोण हाथ में सैनिटरी पैड लिए हुए नजर आ रही हैं। दरअसल उन्होंने कंप्लीट किया है अक्षय कुमार द्वारा दिया गया चैलेंज, और ये चैलेंज है पैडमैन चैलेंज। इन दिनों सोशल मीडिया पर पैडमैन चैलेंज छाया हुआ है, जिसे आमिर खान, ट्विंकल खन्ना, आलिया भट्ट जैसे सितारे कंप्लीट कर चुके हैं। और अब दीपिका पादुकोण ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये फोटो शेयर की है। दीपिका ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि मुझे टैग करने के लिए आपका शुक्रिया अक्षय कुमार। हाँ, मेरे हाथों में पैड है और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। और इसी के साथ दीपिका पादुकोण ने बैडमिंटन चैंपियन और ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु को भी ये चैलेंज दे डाला। तो इस तरीके से इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है ये पैडमैन चैलेंज। और इसी चैलेंज के साथ जहां पर एक तरफ फिल्म पैडमैन को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं पर एक सोशल अवेयरनेस भी जगाई जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सैनिटरी पैड के बारे में बात करना, शॉप पर इसे ले जाना, घर वालों से खुलकर इसके बारे में बात करना कोई शर्म की बात नहीं है। बहरहाल अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन 9 फरवरी को रिलीज हो रही है, और फिल्म से जुड़े सारे कलाकार अपने अपने अंदाज में इस फिल्म के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया है ट्विंकल खन्ना ने। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ दिखाई देने वाली हैं सोनम कपूर और राधिका आप्टे। पहले ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होनी थी, अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है, लेकिन उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि पद्मावत के सपोर्ट में उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे खिसका ली है और फिल्म की रिलीज डेट हो गई 9 फरवरी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।